बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनवित मारिया में खुश आमदीद। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में, आपके खानों में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और आपको हमारी पुरानी वीडियोस बहुत पसंद आई होगी, इसलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू रेसिपी। रेस्टोरेंट स्टाइल में आज हम बनाएंगे बीफ कढ़ाई, जो कि बहुत ही लजीज और मज़ेदार। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और प्लीज़ मज़ीद हमारी वीडियोस को, हमारे चैनल्स को मज़ीद आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस सब तक पहुंचती रहे। चलिए तो वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। 1 kg हमने बीफ लिया है, हड्डी वाला भी और चर्बी वाला मिक्स हमने ये गोश्त लिया है बीफ का। 2 से 3 अदद बड़े साइज़ में प्याज लिए हैं, टमाटर 3 अदद लिए हैं बारीक काट लिया हमने, 2 अदद लेमन, दालचीनी है, 2 बड़ी इलायची है, वादियत का फूल है, 5 से 6 अदद हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 चम्मच। मसाले हैं जो इसके अंदर हम ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने अपना प्याज का प्रेशर ले लिया है, इसके अंदर हम 1/2 कप ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि गोश्त के अंदर भी जो घी होता है मौजूद होता है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज हमने इसके अंदर डाल दिया है, इसको हम तो हम थोड़ा सा पानी करेंगे। प्याज का पानी काफ़ी उष्ण हो गया, अब हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दम में इसकी भुनाई करेंगे हम ताकि लहसुन अदरक की जो है स्मेल खत्म हो जाए। लहसुन अदरक की स्मेल काफ़ी ठीक हो चुकी है, ख़त्म हो गई है, अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपना बीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसकी हम 5 से 10 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। जब तक इसका कलर सफेद नहीं हो जाता तब तक हम इसकी भुनाई करेंगे। हम इसके अंदर ही अपने तमाम खड़े मसाले भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसकी हम अब भुनाई करेंगे। गोश्त का पानी काफ़ी अच्छे से ड्राई हो चुका है, अब हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। गोश्त का पानी अच्छे से खुश्क हो गया है, अब हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। अब हम डाल देंगे इसके अंदर लेमन जूस। हम इसके अंदर डालेंगे अपने बाकी तमाम मसाले। 1/2 चम्मच डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच डालेंगे पिसा हुआ धनिया, डालेंगे 1/2 चम्मच ज़ीरा पिसा हुआ, 1 चम्मच डालेंगे इसके अंदर नमक। मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मसाले की काफ़ी अच्छे से भुनाई हो चुकी है, 1/2 लीटर हम इसके अंदर डाल देंगे पानी और इसको हम लगा देंगे प्रेशर से ताकि गोश्त जो है काफ़ी अच्छे से भर जाए। अब हम इसको लगा देंगे प्रेशर। प्रेशर कुकर हमने खोल लिया है, देखें माशाल्लाह से हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से गल चुका है। 4 चम्मच खाने के हम डालेंगे इसके अंदर दही। दही हम इसलिए डालते हैं ताकि हमारी जो सालन की ग्रेवी है वो काफ़ी अच्छे से क्रीमी और गाढ़ी हो जाए, इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे। बारीक स्लाइसिस में हमने अदरक काट लिया है, सब्ज़ मिर्चें काट ली हैं और सब्ज़ धनिया भी हमने काट ली। गोश्त हमारा काफ़ी अच्छे से भुन चुका है, इसी स्टेज पे हम इसके अंदर डाल देंगे
अदरक और सब्ज़ मिर्चें, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हमारे बीफ कढ़ाई की खुशबू आ रही है। रेस्टोरेंट स्टाइल में हमने बीफ कढ़ाई जो आपके लिए तैयार की है, अब हम उसके अंदर शामिल करेंगे लास्ट स्टीजर है वो हाफ चम्मच कसूरी मेथी, हाफ चम्मच गरम मसाला। 2 से 3 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे, फिर हम आपको इस डिश ओवर करके दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही लजीज मज़ेदार हमारी बीफ कढ़ाई जो रेडी हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी बीफ कढ़ाई है जो अच्छे से रेडी हो चुके हैं। देखें माशाल्लाह कितनी मज़ेदार लजीज हमारी बीफ कढ़ाई, रेस्टोरेंट बीफ कढ़ाई रेडी हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेबान।